फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोगों की काफ़ी समय से डिमांड थी कि हिंदी की क्लास नहीं आ रही है सर, तो ये आज हमारी पहली हिंदी की क्लास होगी। और इस हिंदी की क्लास में हमारा पहला टॉपिक होगा वर्णमाला। पहले टॉपिक का नाम होगा हमारा वर्णमाला। आज कमेंट नहीं लेंगे किसी के भी, जो भी आपका डाउट है वो बाद में आप करना, आज पहले क्लास कर लेते हैं, उसके बाद में ही आपके कमेंट रीड करेंगे। अगर पहला क्वेश्चन यही बनता है वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, या हम इसे इस तरह भी कह सकते हैं वर्णों के सार्थक क्रम को। वर्णों के सार्थक क्रम को वर्णमाला कहते हैं। अगर हम इस सार्थक क्रम या क्रमबद्ध समूह की बात करें, इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, इसका निर्धारण किया जाता है उच्चारण स्थान के आधार पर। अगर हम बात करें वर्णमाला, वर्णमाला में जैसे ए आ आ गया, कै खै आ गया, तो इस प्रकार इनका एक क्रम होता है और इस निश्चित क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। और ये क्रमबद्ध आपका किया जाता है उच्चारण स्थान के आधार पर। अगर हम बात करें उच्चारण स्थान की, हमारे मुख में 9 उच्चारण स्थान होते हैं जिनसे हम वर्णों का उच्चारण करते हैं, और उन 9 के आधार पर ही इनका एक निश्चित क्रमबद्ध समूह बनाया गया है। उच्चारण स्थान हम आगे पढ़ेंगे, ये हमारा सबसे वर्णमाला में सबसे अंतिम टॉपिक होगा। तो अब बात करते हैं हम वर्ण के बारे में, क्योंकि वर्णमाला में वर्णों के बारे में ही हमें पढ़ना है। तो पहले इनका एक सार्थक क्रम ले लिख लेते हैं, जो एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि पहले क्या आता है, कौन सा पहले कौन सा बाद में। तो इनका एक सार्थक क्रम होता है वो लिख लेते हैं। पहले ध्वनि से मिलकर बना है वर्ण, वर्ण अक्षर होते हैं, अक्षर से शब्दांश, शब्दांश से बनता है शब्द, और शब्द से मिलकर शब्द बनाते हैं पद को, पद बनाते हैं पदबंध, और पदबंध से मिलकर बनता है वाक्य, वाक्य से मिलकर बनते हैं अनुच्छेद, अनुच्छेद मिलकर निर्माण करते हैं अध्याय का, और अध्याय मिलकर किसका निर्माण करते हैं, अध्याय मिलकर करते हैं एक पुस्तक, काव्य, ग्रंथ या रचना। तो प्यारे दोस्तों, ये इनका क्रम होता है। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि अवरोही क्रम लिखिए, इनका अवरोही क्रम लिखिए, तो इस प्रकार ही इनका एक निश्चित क्रम होगा। इसे लिख लीजिए आप, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ लेता है इस क्रम के बारे में कि पहले ध्वनि आएगी या अक्षर आएगा या शब्द आएगा, ये इनका क्रम हो जाएगा, बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही क्रम। ठीक है, अब तो अब बात करते हैं हम वर्ण के बारे में। जहाँ से यहाँ से इसी पैराग्राफ में नोट करते रहिएगा साथ साथ। सबसे पहले बात करते हैं हम ध्वनि। ध्वनि क्या होती है? प्रत्येक वर्ण की एक ध्वनि होती है। प्रत्येक वर्ण की एक ध्वनि होती है जो प्रत्येक सभी वर्ण से भिन्न होगी। अगर हम बात करें वर्ण की, जैसे हमने बोला ए और आ, दो वर्ण लिए हमने, तो ए की ध्वनि अलग है, आ की ध्वनि अलग है, ई की ध्वनि अलग हो जाएगी, और एक वर्ण की ध्वनि किसी भी दूसरे वर्ण से मेल नहीं करेगी। यानी कि प्रत्येक वर्ण की अपनी एक निश्चित ध्वनि होगी जो दूसरों वर्णों से भिन्न होगी, इस प्रकार हम इसे कह सकते हैं।
वहीं अगर हम वर्ण की बात करें, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण कहते हैं जिसके टुकड़े या खंड न किए जा सके। जिसके टुकड़े या खंड न किए जा सके। हाँ, या इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं जो अविभाजित हो, या जिसे विभाजित नहीं, इस प्रकार भी कह सकते हैं जिसे विभाजित न किया जा सके। अगर हम वर्ण के बारे में बात करें, वर्ण वह छोटे से छोटे शब्द होता है जिसके हम टुकड़े नहीं किए कर सकते। टुकड़े करना मतलब संधि नहीं, संधि विच्छेद नहीं होगा, उसका समास विग्रह नहीं कर पाएंगे हम, या उससे कम उसका रूप नहीं होगा, उससे कम इसे विभाजित करना ही असंभव है। जैसे हमने वर्ण लिया है, क्या हम इसके टुकड़े कर सकते हैं? इसके टुकड़े नहीं कर सकते हम, यानी कि ये अविभाजित है। वहीं हमने एक शब्द लिया कमल, क्या ये वर्ण है? नहीं, ये वर्ण नहीं होगा क्योंकि यह विभाजित है, यह विभाजित हो सकता है। किस प्रकार इसे विभाजित करेंगे? इसे विभाजित करेंगे क प्लस मैं प्लस ले, इस प्रकार इसे विभाजित कर दिया। और इसमें जैसे ये के है, ये क्या होगा? ये वर्ण होगा आपका, ये मैं होगा, ये एक वर्ण होगा आपका, ये लय होगा, ये एक वर्ण होगा आपका। यानी कि शब्द को ही वर्णों में विभाजित किया जा सकता है, लेकिन वर्ण वह छोटी से छोटी इकाई होती है जिसे विभाजित नहीं कर सकते हम। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं अक्षर के बारे में। अक्षर किसे कहते हैं? अगर हम अक्षर की बात करें, अक्षर को कहते हैं भाषा की मौखिक इकाई। भाषा की मौखिक इकाई अक्षर होती है। दूसरा इसके कह सकते हैं वर्ण का मौखिक रूप। साइलेंट कर दो सर। जैसे हमने हमने बात की अक्षर के बारे में, अक्षर किसे कहते हैं? अक्षर यानी कि जो हम वर्ण बोलते हैं। जैसे हमने वर्ण लिखा ए, ये इसका रिटिन सोर्स है, यानी कि हमने इसे रिटिन में लिखा, लिखित, ये कहलाएगा वर्ण। और यही शब्द हम मौखिक बोलना, मौखिक या मुख, मौखिक बोलना क्या कहलाएगा? अक्षर कहलाता है। यानी कि हम इस प्रकार कह सकते हैं कि वर्णों का मौखिक रूप ही अक्षर होता है। अगर हमने वर्ण बोला ए, तो ये हम बोल रहे हैं मौखिक रूप से, तो इसे क्या कहे जाएगा? अक्षर कहे जाएगा। और अक्षर भी वह छोटी से छोटी इकाई होती है जिसे विभाजित नहीं कर सकते हम। यानी कि अक्षर के बारे में एक चीज़ और पढ़ सकते हैं यहीं पर, इससे कम इसे विभाजित नहीं किया जा सकता। वर्ण व अक्षर दोनों में काफ़ी समानता होती है, दोनों ही विभाजित नहीं हो सकते या सबसे छोटी इकाई होती है। लेकिन अगर वर्ण की बात करें, वर्ण जैसे हम लिखित करते हैं तो उसे वर्ण कहते हैं, और वहीं अगर द्वारा उसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उसे मौखिक रूप से उसे क्या कहा जाएगा? उसे अक्षर कहे जाएगा। बस लिखने का और बोलने का अंतर हो जाएगा। अगर कोई लिखित है तो वो वर्ण कहलाएगा, और मौखिक रूप से है तो उसे अक्षर कहेंगे। वहीं शब्दांश की बात करते हैं, शब्दांश का अन्य नाम होता है, इसे ये हमारा एक अलग ही टॉपिक है, इससे अगला टॉपिक यही रहेगा। शब्दांश का अन्य नाम क्या हो जाएगा? इसे कहते हैं हम उपसर्ग।
और उपसर्ग किसे कहते हैं, पुराने शब्दों से नए शब्द की रचना करना, ये हमारा टॉपिक नंबर टू होगा हिंदी के अंतर्गत। और उपसर्ग उसे कहते हैं जो पुराने शब्दों से नए शब्द की रचना करते हैं, यानी कि किसी भी शब्द के आगे लगे होते हैं उपसर्ग, ये हम आगे पढ़ेंगे। शब्द किसे कहते हैं, वहीं अगर हम बात करते हैं शब्द की, शब्द कहते हैं वर्णों के सार्थक क्रम को। वही अगर बात करें पद किसे कहेंगे, पद कहते हैं शब्दों के सार्थक क्रम को। नोट कीजिए एक बार, उसे साइलेंट कर दो। चलो आगे चलते हैं, शब्दों के सार्थक क्रम को, या इसे कह सकते हैं शब्दों को संबंध विभक्ति से। पदबंध हमारा एक अलग टॉपिक होगा, इसके अन्य नाम लिख लेते हैं। पदबंध को क्या कहते हैं, पदबंध को कहते हैं उपवाक्य, अन्य नाम है ये इसके उपवाक्य, वाक्यांश, शीर्षक, ये इसके अन्य नाम हो जाएगा यहाँ से। और वहीं बात करें वाक्य, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य कहते हैं पदों के सार्थक क्रम को। पदों के सार्थक क्रम को वाक्य कहते हैं। अनुच्छेद, अनेक वाक्य मिलकर एक अनुच्छेद का निर्माण करते हैं, अनेक अनुच्छेद मिलकर अध्याय का निर्माण करेंगे, और अनेक अध्याय मिलकर एक पुस्तक, काव्य, ग्रंथ का निर्माण करेंगे, ये इनका सार्थक क्रम है। इसे नोट कीजिए फटाफट, फिर इनके बारे में समझते हैं। चले आगे, ध्वनि वर्ण अक्षर के बारे में हम बता चुके हैं। ध्वनि क्या होती है, प्रत्येक वर्ण की एक ध्वनि होती है जो दूसरे वर्ण से भिन्न होती है। और वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण वह छोटी छोटी इकाई होती है जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते, दूसरा वर्ण लिखित रूप में होगा। वहीं फिर इसके बाद आता है अक्षर, अक्षर किसे कहते हैं, वर्णों का मौखिक रूप ही अक्षर कहलाता है, और वह छोटी छोटी इकाई होती है जिससे इससे कम विभाजित करना संभव है। उसके बाद बनाते हैं ध्वनि वर्ण के बाद में आता है शब्दांश या उपसर्ग, ये हमारा एक अलग टॉपिक है। शब्द के बारे में पढ़ते हैं, वर्णों के सार्थक क्रम को ही शब्द कहा जाता है। वर्णों का सार्थक क्रम यानी कि एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिखा कमल, पहले क्या आया, फिर मैं आया, फिर ले आया, ये इनका एक सार्थक क्रम है।
क्या हम जे ल के में ऐसे ऐसे लिख सकते हैं? नहीं, ये सार्थक क्रम नहीं है। यानी कि एक वर्णों का सार्थक क्रम होगा जिसका एक अर्थ होगा, उस अर्थ को ही सार्थक क्रम में लिखते हैं। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा आपके शब्द के बारे में। वहीं अगर बात करें हम पद, पद क्या हो जाएगा? दरअसल इन तीनों को ही एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया शब्द, शब्द का एग्जाम्पल हो जाएगा कमल। हमने लिखा यहाँ से कमल। वहीं अगर बात करें हम पद का, पद का क्या होता है? शब्दों का सार्थक क्रम या शब्दों का संबंध विभक्ति से। यानी कि हमने लिख दिया कमल का फूल। आप जानते हैं प्यारे बच्चों, इसमें का विभक्ति है, विभक्ति हो जाएगी। का के की रा रे री, ये सब विभक्ति होती है। ये हमारा एक अलग टॉपिक है, आगे हम पढ़ेंगे जैसे जैसे हमारा सिलेबस आगे चलेगा। और वहीं इसका कमल का फूल, ये इसका संबंध शब्दों का संबंध विभक्ति से हो गया। ये फूल भी एक शब्द है, कमल भी एक शब्द है, इसका संबंध विभक्ति से हो गया। लेकिन कैसे? शब्दों का एक निश्चित क्रम हो गया ना, निश्चित क्रम का ही तो हम संबंध कराएंगे। अगर हम इसे कर दें फूल का कमल, क्या इसका कोई अर्थ होगा? नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं होगा। यानी कि शब्दों का सार्थक क्रम भी होना चाहिए और इनका संबंध विभक्ति से भी होना चाहिए, वही आपका पद बनाएगा। वहीं अगर हमने बनाना है वाक्य, कमल का फूल जल में खिलता है, ये एक पूरा वाक्य हो गया। वहीं अगर इसकी बात करें, कमल ये एक है, ये क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा, क्योंकि वह हमारा सार्थक क्रम है। कमल का फूल, क्योंकि शब्दों का संबंध विभक्ति से हो गया, इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे पद। और वहीं इस पदों का सार्थक क्रम आ गया, कमल का फूल जल में खिलता है, ये कहलाएगा वाक्य। तो इस प्रकार आप इसमें अंतर समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें विभक्ति का होगी, में या पर में ये दूसरी हो गई इसमें। तो पदों का सार्थक क्रम वाक्य कहलाएगा। और वहीं शब्दों का संबंध, वहीं क्या, अगर शब्दों का संबंध विभक्ति से है उसे पद कहते हैं, और शब्द आप जानते ही हैं वर्णों का सार्थक क्रम। ठीक है, तो इस प्रकार इनमें ये अंतर है, इसे नोट कीजिए। आपका ये सब हो गया वर्णमाला में, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे नोट कर लिया होगा आपने। अब बात करते हैं वर्णमाला में, क्योंकि वर्णमाला में वर्णों का ही हमें अध्ययन करना है। अब वर्णों की संख्या के बारे में बात कर लेते हैं। अगर बात करें वर्णमाला में, वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका राइट आंसर दीजिए। अब आपके कमेंट देखते हैं। ये कह रहे हैं 52, 52, 52, 52, सभी 52 कह रहे हैं लगभग। देखिए, आपने सही कहा है, 52 होती है, हम पढ़ते भी आए हैं 52। लेकिन एग्जामिनर 52 नहीं देगा आपको। अगर 52 देता है तो आपको 52 ही लेना है, लेकिन वो एग्जामिनर इसके अलग अलग ऑप्शन देगा। इसका आंसर आप क्वेश्चन में ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। वो 44 भी दे सकता है, वो 48 भी देगा, वो 52 भी देगा, और वो 54 भी देगा। इस तरह से ऑप्शन आपको मिलेंगे। और एक बात हमेशा याद रखना, हमें ऑप्शन में वो ही पुट करना होता है या उसी को अपना आंसर देना होता है जो इनमें से मैक्सिमम डिजिट होगी। अगर 54 भी दे रखा है, 52 भी दे रखा है, तो आपका आंसर होगा 54। और वहीं अगर 44, 48, 52 में से जो भी मैक्सिमम डिजिट होगी वो आपका आंसर रहेगा। अगर 44 की बात करें, 44 की साधारण तो मानते हैं 11 और 33 व्यंजन। अगर 48 की बात करें, इन 44 में अगर हमने 4 संयुक्त वर्ण जोड़ दिए तो इनकी संख्या 48 हो जाएगी। वहीं अगर हमने 48 में 4 जोड़ दिए अयोगवाहक तो आपकी संख्या 52 हो जाएगी। वहीं हमने 52 में
दो र के रूप जोड़ दिए, र के दो रूप, तो आपकी संख्या हो जाएगी 54। तो इस प्रकार आपको आंसर देना है, और आंसर उसी को देना है जो अपनी मैक्सिमम डिजिट होगी। वही एक क्वेश्चन आपसे वर्णमाला से एक क्वेश्चन और बनता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, अगर वो आंसर देगा भाषा की सबसे छोटी इकाई, क्या होगी, और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, क्या एक क्वेश्चन यहाँ से यह बनेगा, भाषा की मौखिक इकाई, और एक आंसर वो बनाएगा भाषा की सबसे बड़ी इकाई। तो अगर बात करते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। अगर वो उत्तर में नहीं ध्वनि नहीं दिया है तो आपको लेना है ध्वनि, ध्वनि के बाद वर्ण, वर्ण के बाद अक्षर। ये भाषा की तीन सबसे छोटी इकाई होती है, और ये आंसर आपका डिपेंड करेगा ऑप्शन पर। ऑप्शन पर किस तरह डिपेंड करेगा, अगर तीनों ऑप्शन में दे रखे हैं उन्होंने, तीनों के तीनों ही ये आपको ऑप्शन में मिल गए, तो आपका आंसर होगा ध्वनि, यानी कि पहली प्राथमिकता इसे देनी है। अगर ये तीनों है, अगर इन तीनों में से कोई भी मिसिंग है तो उस क्रम के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि सेकेंड चॉइस आपकी ये होगी, थर्ड चॉइस ये हो जाएगी। दूसरा पूछता है वो आपसे ऐसे क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, अगर बात करें हम सार्थक की, तो सार्थक क्या होता है, शब्द होता है, तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई बनती है शब्द, और वहीं अगर बात करें सबसे छोटी मौखिक इकाई बनती है आपकी अक्षर। वहीं अगर बात करेगा भाषा की सबसे बड़ी इकाई, या तो वो सबसे बड़ी देगा, या वो बृहत्तम देगा, या महत्तम देगा, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका वाक्य। भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य होती है, सबसे छोटी लघुत्तम इकाई आपकी हो जाएगी ध्वनि, वर्ण, अक्षर, इन तीनों में चॉइस के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से एग्जामिनर अपने ऑप्शन रखता है, और मैक्सिमम बच्चे यहाँ से गलती करके आते हैं, क्योंकि वे पढ़ के जाते हैं ध्वनि को, लेकिन वहाँ ध्वनि नहीं देगा, वहाँ अक्षर देगा, तो उस समय आपको चॉइस करना होता है अक्षर का। और वहीं अगर वो पूछेगा सार्थक इकाई शब्द को आपको बनाना है, तो इसमें बहुत ही गलती होती है, और बहुत ही इसमें चांस रहते हैं फंसने का, लेकिन आप बिल्कुल क्लियर है। जहाँ से वो सार्थकता की बात करेगा, सार्थक आता है शब्द में, क्योंकि शब्द ही हमारा सार्थक होता है, लेकिन अगर वो वही बात करेगा ध्वनि की, वर्ण की, अक्षर की, सबसे छोटी इकाई सार्थक नहीं देगा, तो वो इस क्रम के अकॉर्डिंग आपको आपको चॉइस करनी है, ठीक है। और सबसे बड़ी इकाई में तो कोई डाउट है ही नहीं, वहीं आपका आंसर हो जाएगा वाक्य। वहीं अगर बात करते हैं हम पहले टॉपिक के, कितना टाइम है, नोट कर लीजिए कि इसमें मैक्सिमम गलती होती है, मौखिक इकाई और लघुत्तम, महत्तम, ये सब इकाई आप नोट कर लीजिए। और कल हमारा टॉपिक रहेगा शब्द के भेद, यहीं से हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलो ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा, तो पहली क्लास को यहीं ऑफ करते हैं, ठीक है बच्चे, सभी सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए, और अपना ख्याल रखिए, और पढ़ते रहिए, और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, सपोर्ट करिए, ठीक है बच्चे, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, नोट कर लीजिए, फिर क्लास ऑफ है आपकी।